नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आई फ्लोटर के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आई फ्लोटर को जानने से पहले विट्रस ह्यूमर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विट्रस बॉडी भी बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमारी आँख में एक लेंस होता है और पीछे का जो एरिया आपको दिख रहा है वो है रेटाइना। बीच में जो दोस्तों आपको फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा है उसको हम बोलते हैं विट्रस बॉडी। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है जो कि जेली मटेरियल का होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, वाटर जैसा होता है, पानी जैसा होता है, लेकिन जेली होता है। दोस्तों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर लाइट को देखता हूं, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे लेंस से होते हुए मेरे रेटाइना में जाके फोकस होता है। जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं थिएटर में जाके, तो आपने देखा होगा कि एक फोकस होता है जो कि जाके पर्दे में दिखता है और फिर वहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखने लगती है। दोस्तों, वैसे ही दोस्तों हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो रेज जो हैं हमारी लेंस के थ्रू हमारे पीछे रेटाइना तक फोकस होती हैं और एक इमेज बनती है रेटाइना में, और वही इमेज फिर हमारे ब्रेन में जाके प्रोसेस होती है और वहाँ हमें समझ में आता है कि हम क्या देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोग पिक्चर देखने ज़रूर गए होंगे और कुछ शरारती तत्व जो होते हैं जहाँ पर वो फोकस जाता है पर्दे तक, वहाँ पर वो हाथ लगा देते हैं, और मैंने एक बार किया था। तो हाथ लगा देते हैं तो हाथ जो है आपका वो पूरा का पूरा पर्दे पे बना हुआ दिख जाता है काफ़ी बड़े एरिया में, और कभी कभी कोई सिक्का उछाल देता है तो सिक्का जो है वो पर्दे पर दिख जाता है। मेन इमेज जो आपको पिक्चर दिखती है वो तो दिखती है, साथ ही साथ आपको एक सिक्का दिख जाता है और एक हाथ दिख जाता है जो कि वो फोकस पे जाने के कारण होता है। दोस्तों, यही चीज़ होती है हमारी आँख के साथ जब हम किसी इमेज को देखते हैं, और जब इमेज जो है लेंस से जाके रेटाइना में फोकस होती है, बीच में विट्रस फ्लूइड होता है, और विट्रस फ्लूइड अगर डीजनरेशन हो गया वहाँ पर, कभी कभी विट्रस फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो जो क्लियर विट्रस फ्लूइड होता है, जो पानी जैसा क्लियर होता है, वो क्लियर नहीं रह जाता, वो बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है। आपने पानी देखा होगा, गंदा पानी, बिल्कुल मटमैला पानी, वैसा ही विट्रस फ्लूइड हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे डीजेनरेटिव सेल्स आ जाते हैं। जब हम फिर इमेज देखते हैं, जैसे मैंने फिर से ये तकिया देखा और मेरा जो विट्रस फ्लूइड है वो इतना क्लियर नहीं है, साफ़ नहीं है, तो क्या होगा, जब मैं इमेज देख रहा हूँ तो मेन इमेज तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो विट्रस फ्लूइड की इम्प्योरिटीज़ हैं, जो वहाँ पर छोटे 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 डीजेनरेटिव सेल्स हैं, वो मुझे इमेज के साथ साथ दिखाई देंगे। वो ऐसा लगेगा कि कुछ मेरे आँखों के सामने चल रहा है, गोल गोल चल रहा है, कुछ अलग सा धुंधला सा चल रहा है, और जो मेरे तकिया देख रहा हूँ वो तो मैं देखता ही रहूँगा, तकिया तो मुझे सही ढंग से दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है, कुछ वाइट सा चल रहा है, कुछ धुंधला सा चल रहा है, कुछ काला सा चल रहा है। शेप अलग अलग हो सकते हैं, गोल हो सकता है, शेप आपका ट्रायंगुलर हो सकता है, शेप रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी भी तरह का शेप हो सकता है, शेप ऐसे स्नेक शेप भी हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग धुंधले से मुझे ऑब्जेक्ट्स मेन ऑब्जेक्ट के साथ दिखाई देगा, और इसी को आई फ्लोटर बोलते हैं। दोस्त, आँखों के सामने कुछ चलता हुआ दिखाई दे आपको मेन इमेज के साथ, तो उसको आई फ्लोटर बोलते हैं। दोस्तों, आई फ्लोटर आपको समझ में आ गया होगा कि आई फ्लोटर क्या होता है। अब चलते हैं इसके लक्षण की तरफ, कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं आई फ्लोटर के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके कॉजेस, की क्या कारण होते हैं आई फ्लोटर के, और फिर उसके बाद मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है आई फ्लोटर के लिए। दोस्तों, आई फ्लोटर का लक्षण मेन है कि आपको बहुत सारे फ्लोटर्स दिखाई देंगे, बहुत सारे हल्के छोटे छोटे उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे मेन इमेज के साथ। जैसे मैं ये तकिया देख रहा हूँ, और मैं तकिया जो देख रहा हूँ उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट्स देख सकता हूँ, या ट्रायंगुलर शेप के ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ, या मैं सांप जैसे ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देख सकता हूँ। दोस्तों, आई फ्लोटर के साथ हो सकता है कि आपको आँखों में जो है खिंचाव सा महसूस होता हो सकता है कि आपको आँखों में जलन भी हो सकती है आई फ्लोटर के साथ, और आपको चश्मा भी लग सकता है, आपको दूरदृष्टि दोष भी हो सकता है। तो ये मेन लक्षण थे आई फ्लोटर के। अब चलते हैं कॉजेस की तरफ, कि क्या कारण है आई फ्लोटर के। दोस्तों, तो आई फ्लोटर जो है वो बहुत सारे कारण होते हैं, इसका कोई एक कारण नहीं होता, कोई एक निश्चित कारण आई फ्लोटर का नहीं होता। मोस्टली ये देखा गया है कि अगर आपकी एज 35 साल से लेकर 45 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको आई फ्लोटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी आँख में चोट लगी हो कभी बचपन में, या आपको बड़े में आँख में चोट लगी हो, तो आपको आई फ्लोटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा
कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आप ज़्यादा लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप आँखों में बहुत ज़्यादा बल डाल के किसी चीज़ को देखते हो, तो फिर आपको आई फ्लोटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बच्चे जो ज़्यादा टीवी देखते हैं उनको आई फ्लोटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बड़े जो कंप्यूटर में ज़्यादा काम करते हैं या मेरे जैसे जो कंप्यूटर में भी काम करते हैं और जो मोबाइल में भी काम करते हैं और जो आप लोगों के आंसर भी देते हैं और जो किताब भी पढ़ते हैं, तो इन सबको आई फ्लोटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगर विट्रस फ्लूइड जो होता है उसमें डीजनरेशन हो सेल्स का, तो आई फ्लोटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये डीजनरेशन किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, जैसे आपको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो और वो इन्फेक्शन जाके आँख के अंदर तक चला गया हो और वहाँ पर विट्रस फ्लूइड में इन्फेक्शन होने के कारण भी आपको आई फ्लोटर के चांसेस हैं। दोस्तों, ये होते हैं मेन कॉजेज, ये होते हैं मेन कारण। तो अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आई फ्लोटर के केस में। दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है आई फ्लोटर के लिए लैकेसिस, और लैकेसिस आपको 200 पोटेंसी में लेना है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिएगा लैकेसिस 200 कैसी दिखती है। दोस्तों, लैकेसिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आई फ्लोटर के लिए। मैं हर एक पेशेंट जो आई फ्लोटर का आता है लगभग लैकेसिस देता हूँ और हमेशा लैकेसिस खरी उतरती है आई फ्लोटर के केस में। लैकेसिस में दोस्तों, अगर आपका विज़न जो है वो डिफेक्टिव विज़न हो जाता है, विज़न जो आप देखते हैं वो सही ढंग से नहीं देख पाते, उसमें बहुत सारे आपको वाइट कलर के अगर गोले नज़र आते हैं, तो लैकेसिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और आपको लैकेसिस लेना चाहिए और ख़ासकर 200 पोटेंसी में लेना है। दो बूंद सुबह डायरेक्टली आप टंग पे ले लीजिएगा, तो मान लीजिए कि ये लैकेसिस है और लैकेसिस मैंने ऐसे खोली और उसके बाद दो बूंद डायरेक्टली टंग पे सुबह मैं लैकेसिस ले लूँगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों आई फ्लोटर के केस में। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है फायसोस्टिग्मा, और फायसोस्टिग्मा आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिएगा फायसोस्टिग्मा कैसी दिखती है, और वही जाके होम्योपैथिक शॉप में जाके ले लीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आई फ्लोटर के केस में। तो फायसोस्टिग्मा आई फ्लोटर के साथ साथ नाइट ब्लाइंडनेस में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपका विज़न जो है वो डिफेक्ट हो और ख़ासकर आपको वही सफ़ेद हल्के धुंधले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेन ऑब्जेक्ट के साथ दिखे, विज़न डिफेक्ट हो, तो फायसोस्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, फायसोस्टिग्मा 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है, दो बूंद दिन में दो बार, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है आई फ्लोटर के केस में। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है रूटा, और रूटा को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि रूटा 30 कैसी दिखती है, और होम्योपैथिक शॉप में जाके ले लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप हमेशा कंप्यूटर में बैठ के गेम खेलते रहते हैं, आप मेरे जैसे मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, आप मेरे जैसे मोबाइल में लोगों के आंसर देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, कुल मिला के आप आँखों में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इसी कारण धीरे धीरे आपको आई फ्लोटर की प्रॉब्लम हो गई है, तो रूटा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी रेटाइना में इंजरी होने के कारण कोई प्रॉब्लम हो गई है, बचपन में आपको आँखों में कुछ लगने के कारण आपको आई फ्लोटर की प्रॉब्लम है, तो रूटा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और आपको रूटा को 30 पोटेंसी में लेना है, दो बूंद दोपहर में और दो बूंद रात को, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों आई फ्लोटर के केस में रूटा। दोस्तों, एक मेडिसिन है सेनेगा, और सेनेगा को आपको मदर टिंचर में ही लेना है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा के दे देता हूँ, तो सेनेगा मदर टिंचर आप पिक्चर देख लीजिएगा और वो मेडिसिन जाके होम्योपैथिक शॉप से ले लीजिएगा। दोस्तों, सेनेगा मदर टिंचर आपके विट्रस फ्लूइड जो बहुत ज़्यादा डीजेनरेटिव हो गया और बहुत ज़्यादा धुंधला हो गया और जिसके कारण आपको आई फ्लोटर की प्रॉब्लम हो रही है, वो धुंधलापन ठीक करती है, जो डीजेनरेटिव सेल्स हैं उसको ठीक करने के लिए, विट्रस बॉडी के डीजेनरेटिव सेल्स को ठीक करने के लिए सेनेगा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर विट्रस फ्लूइड क्लियर हो जाएगा तो आई फ्लोटर की प्रॉब्लम अपने आप दोस्तों ठीक हो जाएगी, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सेनेगा, और आपको लेना ही है सेनेगा को मदर टिंचर फॉर्म में, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में तीन बार, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सेनेगा मदर टिंचर आपको 20 बूंद लेना है, आधा कप पानी लीजिएगा, उसमें 20 बूंद डालिएगा और सुबह दोपहर शाम तीन बार आपको पीना है, आधा कप पानी, उसमें 20 बूंद सेनेगा मदर टिंचर,
सुबह दोपहर शाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो लास्ट में मैं आपको एक आई ड्रॉप बताता हूँ और उस आई ड्रॉप का नाम है सिनेरिया मैरिटिमा D2 आई ड्रॉप डॉक्टर रैकवैक का। डॉक्टर रैकवैक जर्मनी की एक कंपनी है और उसका सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप D2 मतलब विदाउट एल्कोहल वाला आप यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिए और वही जाके आई ड्रॉप होम्योपैथिक शॉप से जाके लीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव आई ड्रॉप है, खासकर विज़न डिफेक्ट के लिए जैसे मायोपिया और आई फ्लोटर, जैसे आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है तो सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और आप 2 बूंद दिन में 3 बार आँखों में डालिएगा सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप, दोनों आँखों में 2 बूंद इस आँख में और 2 बूंद इस आँख में, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप डालना है और लगातार डालना है। आप अगर इसको लगातार डालेंगे तो आपकी आई फ्लोटर की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये थी आई फ्लोटर की होम्योपैथी की इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ अगर पेशेंट आता है तो मैं उसको क्या मेडिसिन देता हूँ। दोस्तों मैं देता हूँ लैकेसिस 200 2 बूंद सुबह सुबह, रूटा 30 2 बूंद दिन में 2 बार खासकर दोपहर में और शाम को, और साथ में फाइसोस्टिग्मा 30 2 बूंद दिन में 2 बार खासकर दोपहर में और शाम को, और साथ में फिर मैं सिनेगा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और साथ ही साथ मैं सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप विदाउट एल्कोहल वाला 2 बूंद दोनों आँखों में दिन में 3 बार डालने के लिए देता हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, लगभग अगर आप 6 महीने तक ये मेडिसिन यूज़ करेंगे पूरी की पूरी तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और 6 महीने के अंदर आपको आई फ्लोटर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 1 महीने में काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा आपको, लगभग 1 महीने में आपका 30% आई फ्लोटर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। किसी किसी पेशेंट में तो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, किसी किसी पेशेंट में 30% ठीक होती है, और 6 महीने के अंदर आपको पूरी की पूरी ये आई फ्लोटर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये मेडिसिन देती है दोस्तों आई फ्लोटर के केस में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको आई फ्लोटर से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना है तो नीचे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।